हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको आप सभी को पता है, हमने एक ऑनलाइन लेक्चर सीरीज शुरू की है, कंप्लीट लेक्चर सीरीज। उसमें हमने बीएससी पार्ट सेकेंड के लिए यूनिट सेकेंड, जो कि आपकी है एल्कोहल, उसको शुरू किया था, जिसमें हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंटिन्यू कर चुके हैं। आज हम चौथा लेक्चर देखेंगे। क्या चल रहा था हमारा? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी एल्कोहलों के बनाने की विधियां चल रही थी, जिसमें हमने 2-3 प्रकार की विधियां पढ़ ली थी। आज हम एक और तरीके से सीखेंगे एल्कोहल को कैसे बनाया जा सकता है। तो देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है गिरनार अभिकर्मक द्वारा एल्कोहल का निर्माण। आज हम एल्कोहल का निर्माण करेंगे किसका यूज करके? गिरनार अभिकर्मक, गिरनार रिएजेंट जो भी होता है हमारा, RMGX का नाम होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMGX। तो ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, इसका यूज करके हम क्या करेंगे? एल्कोहलों का निर्माण करेंगे। अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज करें तो हम किस प्रकार के एल्कोहल बना सकते हैं? तो अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज करके एल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं, तो हम क्या हो सकता है इससे? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एल्कोहल का निर्माण होता है, यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज करके हम सभी तरह के एल्कोहल बना सकते हैं। 1 डिग्री भी बना सकते हैं, 2 डिग्री भी बना सकते हैं और 3 डिग्री भी बना सकते हैं। तो किस प्रकार से हम एल्कोहलों का निर्माण करेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल यौगिक जैसे कि हमारे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर्स, इनसे देखेंगे हम कि एल्कोहलों का निर्माण किस प्रकार करेंगे। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का यूज करके हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। किसके द्वारा? कार्बोनिल यौगिकों का प्रयोग करके। जो हमारे कार्बोनिल यौगिक होते हैं, जैसे कि हमारे एल्डिहाइड हैं, कीटोन हैं, एस्टर हैं, एसिड हैलाइड हैं, ये सभी क्या हैं? कार्बोनिल यौगिक हैं। तो हम देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड हैलाइडों से हम किस प्रकार एल्कोहलों का निर्माण करेंगे, लेकिन क्या यूज़ करके? ग्रिगनार अभिकर्मक का यूज़ करके। ग्रिगनार अभिकर्मक बहुत काम की चीज़ है केमिस्ट्री के अंदर। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल का निर्माण देखेंगे ग्रिगनार अभिकर्मक का यूज़ करके। तो देखेंगे एल्डिहाइड व कीटोन से ग्रिगनार अभिकर्मक का निर्माण देखेंगे। हम कौन कौन से एल्डिहाइड हैं जिनका हम यूज करके अल्कोहल का निर्माण करेंगे। सबसे पहले हम सबसे सिंपल एल्डिहाइड लेते हैं, जो सबसे सरल एल्डिहाइड है, जो कि कौन सा है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या है? HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। इससे देखेंगे हम किस प्रकार से एल्कोहल बनाते हैं। तो अब देखिए, मान लो हमने ये ले लिया ग्रिगनार अभिकर्मक, RMGX की जगह हमने ये ले लिया MEMGX, यहाँ से लिख लें CH3MGX ले लिया। इसके लिए हम विलायक यूज़ करते हैं ईथर, वो भी कैसा? शुष्क ईथर,
जब भी हम गृग्नार्ड अभिकर्मक का यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं विलायक के तौर पर? शुष्क ईथर, क्योंकि ये जो गृग्नार्ड अभिकर्मक है ये अगर नमी के कांटेक्ट में आया, जरा सी भी वाटर मिला इसको, तो ये क्या करेगा, खुद ही रिएक्शन करके अपघटित हो जाएगा। तो ये बाकी रिएक्शन के अंदर हमें क्या, गृग्नार्ड अभिकर्मक बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं तो रिएक्शन कैसे होगी। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुष्क ईथर, ताकि उसमें बिल्कुल भी नमी ना हो। अगर नमी हुई तो गृग्नार्ड अभिकर्मक क्या कर लेगा, ईथर से अभिक्रिया कर लेगा और फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो हम देखते हैं ये सब ये हमको यहाँ दिख रहा है, ये क्या है हमारे पास, ये है एच सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, यानी कि पाई बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। और पाई बॉन्ड जो होता है वो पहले से ही कमज़ोर बॉन्ड होता है, जानते हैं हम पाई बॉन्ड कैसा होता है, कमज़ोर बॉन्ड होता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लूजली हेल्ड होते हैं। तो क्या होगा, और हम ये भी जानते हैं कि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ये क्या करेगा, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो जिससे ये जो कार्बन है ये डेल्टा पॉजिटिव और ये जो ऑक्सीजन है ये डेल्टा नेगेटिव फॉर्म में रहता है, यानी कि ये कैसा, पोलराइज फॉर्म में रहता है। क्यों रहता है पोलराइज फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने की वजह से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। ऐसी अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और ये जो बॉन्ड होता है ये भी क्या होता है, पोलराइज होता है, यानी कि ये जो कार्बन है ये डेल्टा नेगेटिव और ये मैग्नीशियम है वो डेल्टा पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों भाई, हम जानते हैं मैग्नीशियम क्या है, धातु है और धातुओं के अंदर क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक नहीं विद्युत धनात्मक गुण होते हैं, यानी कि धातु की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बहुत कम होती है, जबकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। तो कौन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, कार्बन, तो क्या करेगा, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए ये बॉन्ड भी क्या रहता है, पोलराइज रहता है बेटा, समझे। तो ये बॉन्ड भी क्या है, पोलराइज रहता है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर अब होगा क्या आगे, हमको पता है ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस कार्बन पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। और यहाँ पर ये जो है ग्रुप CH3 ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल पर, तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। जब ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इससे पहले कि इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ पाए, कौन अटैक कर देता है, मिथाइल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इस कार्बन पर अटैक कर देता है। यानी जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होती है, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये तुरंत आक्रमण कर देता है कार्बन पर, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास O हो जाएगा माइनस, यहाँ पर CH3 ने अटैक किया ये जुड़ा और H पहले से ही मौजूद है तो ये O माइनस बना, और बाकी की स्पीसीज क्या बनी, MgX ये प्लस है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, O माइनस और Mg प्लस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास, ये स्पीसीज मिलेगी, OMgX जुड़ा हुआ है और ये CH3, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है ये विद्युत धनात्मक है, तो ये भी क्या रहेगा, पोलराइज फॉर्म में रहेगा, यानी O माइनस Mg प्लस रहेगा। फिर आगे हम क्या करेंगे, इसका अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करा देंगे, वर्कअप करा देंगे, तो क्या होगा, अम्ल से जो H प्लस मिलेगा O माइनस क्या कर लेगा, H प्लस ले लेगा, और जो H2O का OH माइनस पार्ट होगा वो क्या कर लेगा, मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा H CH3H और ये बन गया हमारे पास OH प्लस मैग्नीशियम, इससे X तो जुड़ा हुआ ही है, प्लस वाटर का OH भी जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बना हमारा, एल्कोहल का निर्माण हो गया। एल्कोहल कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, किस तरीके का एल्कोहल है बता सकते हैं आप, 1 डिग्री है, 2 डिग्री या 3 डिग्री, किस तरीके का एल्कोहल है? तो ये जो एल्कोहल है ये 1 डिग्री एल्कोहल बना, कौन सा है, ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री CH3CH2OH, यानी कि क्या बना ये,
इथेनॉल बना 1 डिग्री अल्कोहल। तो देखा हमने फॉर्मल्डिहाइड पर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया से हमने किसका निर्माण किया, 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण किया। ऐसे ही अगर हम ये ले लें फॉर्मल्डिहाइड की जगह एसीट एल्डिहाइड ले लें, यानी कि CH3, ये क्या है, ये एसीट एल्डिहाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएं हम, यही ले लिया CH3MgX ले लिया मानो हमने, या फिर CH3 की जगह हम ये ले लें C2H5 ले लें, C2H5MgX किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर सॉल्वेंट तो हम सभी जानते हैं शुष्क ईथर रहेगा, जैसा कि अभी यहाँ ऊपर हुआ। ये जो ऑक्सीजन है ये डेल्टा नेगेटिव और ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। ये बॉन्ड भी क्या है, पोलराइज है। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है अपने बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा CH3CO- या OMgX तो बना लेगा बॉन्ड, और यहाँ पर C2H5 ने अटैक किया तो ये यहाँ जुड़ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, सेम ऐसे ही वर्कअप करा लेंगे, वर्कअप करा लेंगे H3O+ यानी H+ और H2O से वर्कअप कराएंगे। तो हम जानते हैं ये O- है, ये Mg+ है, तो माइनस क्या करेगा H+ को ले लेगा, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3COH C2H5 और ये H+ MgX और OH, ये बन गया। अब अगर हम देखें, जब हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया था तो 1 डिग्री अल्कोहल बना इथेनॉल, और जब हमने एसिड एल्डिहाइड लिया तो हमारे पास क्या बना, ये कैसा अल्कोहल है, एक कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो 1 डिग्री प्राप्त होंगे, और एसिड एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होंगे। लेकिन अगर हम एल्डिहाइड ना लेकर के हम कोई कीटोन लें, कीटोन के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, देखते हैं कीटोन के साथ क्या रिएक्शन होगी। ये नोट कर लीजिए आप सभी, ठीक है। अब कीटोन के साथ रिएक्शन देख लेते हैं, कीटोन के साथ क्या होगा, यहाँ देख लें तीसरा कीटोन ले लें, कीटोन के साथ अभिक्रिया कराएं, जैसे कि ये क्या है, ये भाई एसीटोन है, क्या है एसीटोन है। इसकी रिएक्शन हम कराएं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक ले लिया हमने CH3MgX, तो हम जानते हैं यहाँ पर भी क्या है, कार्बोनिल समूह उपस्थित है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने की वजह से डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, ये मिथाइल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर आक्रमण कर देगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर आक्रमण कर देगा, यानी CH3- अटैक कर देगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3O- या OMgX यहाँ पर जुड़ गया CH3, और ये CH3 पहले से मौजूद था, जैसे पहले क्या था, अब क्या करा देंगे, वर्कअप करा देंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो यहाँ से H+ जो है वो क्या कर लेगा, ये O- होगा, ये ऐसे लिख दें O- Mg+, तो ये O- क्या करेगा, H+ पर अटैक करेगा, या H+ जो है O- पर अटैक करेगा और ये OH बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3OH CH3+ MgX और ये बन गया OH। यहाँ X की जगह हम ले लें, हमने क्या लिया है, ब्रोमाइड है, तो X की जगह कोई भी हैलोजन हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, कोई भी हैलोजन हो सकता है, X क्या है यहाँ पर, हैलोजन, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन गया। अब हम देखें ये कौन सा अल्कोहल है, तो देखें एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये क्या बना हमारे पास, 3 डिग्री
एल्कोहल का निर्माण हुआ है। यानी कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तो 1 डिग्री बनेगा, एसिटाल्डिहाइड की कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन की अभिक्रिया कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें एक मॉलिक्यूल हम एल्डिहाइड का लिया था, एक मॉलिक्यूल ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का लिया था, है ना, पिछले रिएक्शंस में। यहाँ पर भी हमने एक मॉलिक्यूल एसीटोन का लिया है, एक मॉलिक्यूल ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का लिया है। लेकिन जब क्या, तब क्या होगा जब हम ईथर को अधिक मात्रा में ले लें, एक्सिस में ले लें, अधिकता में ले लें, तो फिर क्या होगा, तो हम देखते हैं क्या होगा जब हम ईथर को अधिकता में लेते हैं। ये मिटा दूं मैं, तो हमने किसके बारे में पढ़ रहे थे, कार्बोनिल यौगिकों से अल्कोहल का निर्माण कर रहे थे। तो कार्बोनिल यौगिकों में तो एस्टर भी आते हैं, है ना, एसिड हैलाइड भी आते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एस्टर की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, यहाँ ऐसे लिखिए एस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अधिकता में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमने क्या लिया है, अधिकता में लिया है, एक्सिस में, अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल का निर्माण होता है। यानी कि अगर हमारे पास एस्टर लिया गया है, हमने क्या लिया है रिएक्शन में, एस्टर लिया है, तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या लेना पड़ेगा, एक्सिस में लेना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ देखेंगे, जब हम मैकेनिज्म देखेंगे, तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वो 2 बार रिएक्शन करेगा एक ही रिएक्शन सेंटर पर। तो हम देखेंगे किस तरीके से एस्टर से अल्कोहलों का निर्माण होता है। चलिए हम सबसे पहले ये ले लेते हैं, एग्जाम्पल में हम ले लें इथाइल फॉर्मेट ले लें, कौन सा एस्टर लिया है हमने, इथाइल फॉर्मेट ये लिया है, C2H5O, क्या है ये है इथाइल फॉर्मेट, क्या है ये, इथाइल फॉर्मेट। अब देखें हम इस पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कैसे अभिक्रिया कराएंगे, तो हमने ले लिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कोई सा भी ले लें, चलिए हमने ये ले लिया CH3MgBr। हम जानते हैं यहाँ पर भी क्या है, कार्बोनिल समूह है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने की वजह से डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा CH3 अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5O CO MgBr, यहाँ पर H है और नीचे आके हमारा CH3 जुड़ गया। अब आगे क्या होगा, जैसा कि हम पहले रिएक्शन में करा रहे थे, क्या कराते थे इसके आगे, वर्कअप करा देते थे, एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते तो हमारा अल्कोहल बन जाता था। लेकिन अभी यहाँ पर हम वर्कअप नहीं कराएंगे, हाइड्रोलिसिस नहीं कराएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें वर्कअप इसलिए कराना पड़ रहा था क्योंकि वहाँ कोई हमारे पास लीविंग ग्रुप नहीं था। जैसे हमने ये बनाया CH3 C CH3 CH3 O Mg X, ये था हमारे पास। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कोई भी लीविंग ग्रुप नहीं है। लीविंग ग्रुप मतलब अगर ये बॉन्ड वापस यहाँ आए तो कोई ग्रुप होना चाहिए जो बाहर निकल कर जाए, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना भाई। तो क्या होगा, यहाँ पर सभी, ये भी कार्बन 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 और कार्बन के जो, जैसे ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, आसानी से नहीं टूटेगा, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो क्या कर देते थे, वर्कअप करा देते थे और यहाँ पर अल्कोहल डायरेक्ट बन जाता था। लेकिन अगर यहाँ देखें
तो ये तो CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये दोनों तो लीविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, OC2H5। ये क्या है, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये निकल सकता है बाहर। तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो O माइनस होगा और Mg क्या होगा, प्लस होगा। तो ये जो माइनस चार्ज है वापस अटैक करेगा, नीचे आएगा और ये क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो क्या बाहर निकल गया, बाहर निकल गया C2H5O- बाहर निकल गया। और बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। क्या बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया। एस्टर लिया था हमने, एस्टर से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराई, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड की दोबारा रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, इसीलिए तो हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक मोल ना लेकर के क्या लिया है, अधिकता में लिया है, ताकि जितनी बार भी इसका यूज़, इसकी ज़रूरत पड़े तो ये उपस्थित होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी फिर से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करा देंगे। तो यहाँ लिखें हम CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच बना, इसकी फिर से रिएक्शन करा देंगे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से CH3MgBr, क्योंकि हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो लिया है वो अधिकता में लिया है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, O माइनस निकला प्लस MgBr भी निकला, तो O माइनस को कौन स्टेबलाइज करेगा, प्लस MgBr। आगे क्या होगा, यहाँ पर फिर से सेम रिएक्शन होगी जैसे अभी की थी हमने एसिड एल्डिहाइड पर, रिएक्शन जैसे अभी की थी बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन कराएंगे। ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये सेंटर डेल्टा पॉजिटिव है, ये बॉन्ड क्या करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर CH3 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, पोलराइज है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH3CO- MgBr। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक CH3 यहाँ आ गया और H पहले से मौजूद है। अब हमारे पास कोई लीविंग ग्रुप नहीं है, तो O माइनस जो है, ये जो O माइनस है, ये वापस नीचे नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज नीचे नहीं आएगा और कोई ग्रुप बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई भी अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अब हम क्या करा देंगे, इसकी वर्कअप करा देंगे। तो वर्कअप से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3COH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। तो क्या मिल गया हमें, एल्कोहल मिल गया। इस एल्कोहल को देखें, ये कैसा है, तो 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया। ठीक है, समझ में आई आपको, क्या हुआ यहाँ पर, वर्कअप करा दिया, ये बन गया। और हमारे पास और क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा हमारे पास MgBrOH, दो मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर भी था एक MgBr और एक MgBr यहाँ से, तो दो मॉलिक्यूल तो इसके निकलेंगे। प्लस एक ये भी बनेगा, ये भी वर्कअप से क्या बना लेगा, C2H5OH बना लेगा। ठीक है, और ये हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो इस तरीके से हम एस्टर से क्या करते हैं, एल्कोहलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। जैसे 2 डिग्री अल्कोहल बनाए हैं एस्टर से, ऐसे ही हम एस्टर से 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण भी कर सकते हैं। किस प्रकार, अगर हम ये ले लें C2H5OCO, यहाँ हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, और इस पर रिएक्शन कराएं हम CH3MgI। इस बार हमने क्या ले लिया, CH3MgI ले लिया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही रिएक्शन होगी। ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये बॉन्ड क्या करेगा, ऊपर ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट करेगा, CH3 यहाँ अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा C2H5O MgI। और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, CH3, एक CH3 पहले से ही मौजूद था। अब क्या होगा, ये जो O माइनस है और ये क्या है, Mg+ है, तो ये क्या करेगा, O माइनस वापस से अटैक करेगा, नीचे आएगा, और ये जो C2H5O है ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये एक लीविंग ग्रुप है। तो क्या बाहर निकल गया, C2H5O Mg I, ये तो निकल गया बाहर, या तो O माइनस प्लस MgI ऐसे भी लिख सकते हैं। पिछली बार हमने कैसे लिखा था, हमने लिखा था इसको हम O माइनस और Mg+ करके भी लिख सकते हैं, या यूँ कह ले प्लस माइनस ने बॉन्ड बना लिया, तो क्या बना लिया,
OMGI, जैसे हमने यहाँ डिनोट किया था पहले OMG के बीच में बॉन्ड बनाया था, लेकिन ये बॉन्ड कैसा होता है, बहुत पोलर होता है। पोलर होता है मतलब ऑक्सीजन पर नेगेटिव और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है पोलर होने की वजह से। तो फिर आगे क्या होगा, क्या बन गया हमारे पास, हमारे पास बन गया CH3C डबल बॉन्ड OCH3, क्या बन गया, एसीटोन बन गया फिर से। और एसीटोन के ऊपर तो हमने रिएक्शन देखी है, कैसी रिएक्शन होती है, CH3MgI की रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, ये अटैक करेगा CH3, यहाँ अटैक करेगा और ये क्या बना लेगा, बिल्कुल पिछले रिएक्शंस की तरह OMgI ये बन जाएगा, एक CH3 और जुड़ गया, एक CH3, और फिर ये क्या करा देंगे, इसका वर्कअप करा देंगे वाटर से H+ की प्रेजेंस में, या केवल वाटर भी ले लेंगे तब भी काम हो जाएगा। अब कोई लिविंग ग्रुप नहीं है तो ओ का नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड जो है वो वापस माइग्रेट बैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है। तो अब वर्कअप कराना पड़ेगा, वर्कअप कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3OH CH3, और ये CH3 कैसा अल्कोहल बन गया यहाँ पर, 3 डिग्री प्लस MgIOH, ठीक है। अब कैसा अल्कोहल बन गया, 3 डिग्री। तो हमने देखा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से हम कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कार्बोनिल यौगिकों का यूज़ करके हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों का निर्माण होता है। एल्डिहाइड लें तो क्या बनेगा, और कीटोन लें या एस्टर लें, इन सभी से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा अल्कोहलों का निर्माण। आई थिंक आप लोगों को मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, तो आप बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारी रिएक्शन होंगी आप इजीली कर सकते हैं। क्या होगा, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर होता है, CH3 और MG वाला बॉन्ड क्या होता है, पोलर होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, CH3- ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा इस पर, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। ये बॉन्ड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। तो ये है कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के, उनको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, जिससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी रहती है। तो इस प्रकार हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अभी तो हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल बना रहे थे, अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कार्बोनिल यौगिकों द्वारा अल्कोहल का निर्माण। अभी जो हमने नेक्स्ट पिछला रिएक्शन पढ़ा था उसमें अभी हमने कार्बोनिल यौगिकों का यूज़ किया था, लेकिन हमने एक और रिएजेंट यूज़ किया था, क्या किया था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब हम देखेंगे कि अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यूज़ ना करें तो क्या कोई और तरीका है कि हम कार्बोनिल यौगिकों से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की फॉर्मेशन कर सकें, सॉरी अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकें, तो वही हमको देखना है। मान लो हमने कोई एल्डिहाइड ले लिया, इससे मुझे क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। ये जो है CH3COH, ये क्या है, ये एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ऑक्सीकृत अवस्था है। जब मैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण करती हूँ तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड को और ऑक्सीकरण करूँगी तो कार्बोक्जिलिक अम्ल बनेगा, लेकिन अगर मैं इसका अपचयन कर दूँ, बैक जाऊँ अपचयन कर दूँ, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। यानी कि मैं क्या जोड़ दूँ, अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, हाइड्रोजन का योग हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, अपचयन। तो मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है, यानी कि इसका क्या करना है, मुझे अपचयन करना है। तो ये अपचयन किस तरीके से होगा, वो कौन कौन से रिएजेंट हैं जिनका प्रयोग करके हम अपचयन कर सकते हैं। तो अगर हमको ये अपचयन कराना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन कौन से रिएजेंट हैं जिनका हम यूज़ करके ये अपचयन करा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपचयन कराना है। अपचयन कराना है तो दो तीन तरीके होते हैं, हम दो तीन रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। या तो हम पहले क्या कर सकते हैं, किसी धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करा सकते हैं, जैसे
प्लेटिनम है, प्लेटिनम है, निकिल है, रोडियम है, इन सब मेटल की उपस्थिति में हम क्या करा सकते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करा सकते हैं, यानी हाइड्रोजनीकरण करा सकते हैं। ये क्या करेंगे, रिडक्शन में काम आते हैं। तो पहला तो हम करा सकते हैं उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण, दूसरा हम क्या करा सकते हैं, हम किसी अपचार हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट, ऐसे रिएजेंट का यूज कर सकते हैं, ऐसे अभिकर्मक का प्रयोग कर सकते हैं जो हाइड्राइड देता हो, हाइड्राइड ट्रांसफर करता हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा बहुत फेमस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, या फिर सोडियम बोरो हाइड्राइड है। तो लिथियम बोरो हाइड्राइड या सोडियम बोरो हाइड्राइड का प्रयोग करके हम क्या करा सकते हैं, इसका अपचयन करा सकते हैं, क्योंकि ये क्या ट्रांसफ़र करते हैं, एच माइनस ट्रांसफ़र करते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे अल्कोहल, जिससे हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हो जाता है, अपचयन हो जाता है और क्या बनते हैं, अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं भाई हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, इसके अलावा हम एक तीसरा रिएक्शन भी करते हैं जिसे बोलते हैं हम ब्यूवो ब्लांक अभिक्रिया। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सोडियम मेटल और अल्कोहल के द्वारा, सोडियम मेटल और अल्कोहल के द्वारा क्या करते हैं, अपचयन कराते हैं। तो इन तीनों विधियों को हम देखते हैं बारी बारी, इनका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस प्रकार से ये कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करते हैं। तो हम ये सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा अल्कोहल, अल्कोहल का निर्माण तो कर रहे हैं लेकिन किसके द्वारा कर रहे हैं, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करके हम अल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजनीकरण कराना है, हाइड्रोजन का एडिशन कराना है, योग कराना है, किसकी प्रेजेंस में, उत्प्रेरक। यहाँ पर कौन से उत्प्रेरक होते हैं, धातु उत्प्रेरक होते हैं। तो जैसे धातु के अंग कौन से धातु होते हैं, धातु जैसे निकल है, प्लेटिनम है, रोडियम है, ETC आदि धातु किसी निष्क्रिय विलायक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का कार्बोनिल यौगिकों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा अल्कोहल का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया CH3COH लिया, इसकी रिएक्शन कराई हमने, मान लो हमने क्या ले लिया, निकिल ले लिया, निकिल H2, टेम्परेचर रहेगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करता है ये निकिल की निकिल यहाँ पर किसका कार्य करेगा, एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा, यानी कि कैटालिटिक सरफेस प्रोवाइड करेगा रिएक्शन के होने के लिए, रिएक्शन की अभिक्रिया को क्या करेगा, उत्प्रेरित करेगा, बढ़ाएगा। तो ये रिएक्शन जो होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, इसका क्या होता है, विदलन होता है, समविदलन। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ से, क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 ओ रेडिकल और एक कार्बन पर रेडिकल बनेगा। इसी के साथ साथ ये क्या करेगा, H2, ये जो HH है इसका भी क्या कर देगा, समविदलन कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेंगे, दो H रेडिकल बनेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक H रेडिकल और एक OH रेडिकल यहाँ कंबाइन हो जाएगा और एक कार्बन रेडिकल और एक हाइड्रोजन रेडिकल नीचे कंबाइन हो जाएगा, दो बने ना, तो एक ये और एक ये, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3COH और यहाँ पर CH2, क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से आप 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, किसके द्वारा, उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, किसी धातु की उपस्थिति में H2 का एडिशन करके अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है।
दूसरा टाइप देखते हैं हम, जो कि है बूवो ब्लैंक, ब्यूवो ब्लैंक अभिक्रिया। ये कैसे होती है? ब्यूवो ब्लैंक अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल का निर्माण, द्वारा अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से होगा? मान लो ये हमारे पास अल्कोहल है CH3, ये ले लिया हमने कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड है CH3CO, एसीटोन मौजूद है हमारे पास। हम इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम, किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहल की प्रेजेंस में। सोडियम धातु से अभिक्रिया कराएंगे, हम जानते हैं सोडियम, सोडियम क्या है? धातु है, फर्स्ट ब्लॉक का धातु है। सोडियम की टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर किस में चेंज हो जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा और किस में चेंज हो जाता है? Na प्लस में चेंज हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन देने, इसकी ये धातु है तो इसकी क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? इस पाई बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा और ये बनेगा CH3CO पर माइनस, और एक कार्बन पर क्या बन जाएगा? रेडिकल। किसका जनरेशन हुआ? रेडिकल, रेडिकल ही बना। पहले ये फ्री समविदलन होगा तो एक एक रेडिकल बनता था, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? सोडियम से आया, फिर सोडियम प्लस में चेंज हो गया तो ये एक इलेक्ट्रॉन आया, तो ये भी यहाँ आ गया। जैसे ये एक दो इलेक्ट्रॉन हुए तो यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वही तो लिखा है मैंने। तो ये कैसे बना? कार्बन रेडिकल, कार्बन और ऑक्सीजन पर रेडिकल बना, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? सोडियम से, तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया? माइनस चार्ज, और कार्बन पर क्या आ गया? रेडिकल। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर ये होगा, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है C2H5OH, ये बॉन्ड क्या होता है? पोलर होता है, ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, तो O- क्या कर लेगा? इस प्रोटॉन को ले लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये बन जाता है CH3COH, और ये कार्बन पर क्या है? रेडिकल है, और यहाँ पर हमारे पास CH3। फिर से सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं इसकी, तो क्या होगा? सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे, एक इलेक्ट्रॉन और देगा, तो ये दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन देगा सोडियम, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3C- OH था C- और ये CH3। ठीक है, फिर क्या करेंगे? ये C- जो है, माइनस चार्ज जो आया, ये क्या करेगा? प्रोटॉन ले लेगा इसका, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3C, ये प्रोटॉन ले लिया, और ऑक्सीजन पर क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा? C2H5OH जो मौजूद है, यहाँ से हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को ले लेगा, और क्या बन जाएगा? CH3, ये है OH और ये H, क्या बन गया है? 2° अल्कोहल बन गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये जो अभिक्रिया, इसे बोला जाता है ब्यूवो ब्लैंक अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल का निर्माण, ब्यूवो ब्लैंक अभिक्रिया। तो इस तरीके से ब्यूवो ब्लैंक अभिक्रिया द्वारा अल्कोहलों का निर्माण होता है। बहुत से लोग क्या करेंगे? यहाँ पर रेडिकल बना देंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यानी एनायन बना देंगे, वो भी पॉसिबल है। यहाँ पर रेडिकल बना दो, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया पहले, तो यहाँ पर एनायन बन जाएगा, ये पहले प्रोटॉन एक्स्ट्रा कर लेगा, वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये दो विधि देखी, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट द्वारा अल्कोहलों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो हम तीसरे प्रकार से देखते हैं किस तरह से हम हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट अभिकर्मकों द्वारा अल्कोहलों का निर्माण करेंगे। थर्ड जो टाइप है वो हम देखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड व सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, अपचयन। यहाँ हम दो तरह के रिएजेंट का यूज़ कर रहे हैं हाइड्राइड ट्रांसफर, एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और एक सोडियम बोरो हाइड्राइड है। हम जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है, सेलेक्टिविटी कम है इसकी, रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इसका यूज़ जो है वो करने के
इसका यूज़ करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर इसमें ज़रा सा भी हवा में गया, ज़रा सा भी इसको नमी मिली, तो ये क्या करता है, इसमें बहुत विग्रस रिएक्शन होता है, यानी बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, और क्या हो सकता है, विस्फोट भी हो सकता है। इसलिए इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम ज़्यादातर हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्योंकि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड अपचायक है। इससे अपचयन तो होता है, लेकिन कैसा रहता है, माइल्ड अपचयन होता है, यानी कि ये इतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं देता जितना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देता है। तो हम ज़्यादातर हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ करते हैं। बहुत से ऐसे यौगिक हैं जिनका रिडक्शन अपचयन सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा नहीं हो सकता। जहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड काम में नहीं आता, वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करते हैं। ये तो सभी जानते होंगे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इतना ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों ही बोरॉन और एल्युमिनियम एक ही वर्ग के तत्व हैं, लेकिन बोरॉन पहले आता है और एल्युमिनियम नीचे है। इसका मतलब एल्युमिनियम का साइज जो है वो क्या है, बड़ा है। एल्युमिनियम का साइज ये है, हाइड्रोजन का साइज ये है। तो ये जो बॉन्ड होगा ये क्या होता है, वीक होता है। तो वीक होने की वजह से ये आसानी से टूट सकता है। तो इसीलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, यानी ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जबकि हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें तो बोरॉन का साइज़ भी यही है और हाइड्रोजन का साइज़ भी यही है। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड बनेगा ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, ओवरलैप अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो ये आसानी से नहीं टूटेगा। यानी इसकी रिएक्टिविटी एल्युमिनियम हाइड्राइड की कंपैरिजन में क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, तो अब हम देखें, सबसे पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा देखते हैं कि किस तरह से, या पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देख लें किस तरीके से ये रिडक्शन करेगा, किस तरीके से। तो देखते हैं, कोई भी कार्बोनिल यौगिक हो सकता है, आर ग्रुप लगा दिए, ये कार्बोनिल यौगिक है, इसका हमें क्या करना है, अपचयन करना है। क्या यूज़ किया है हमने यूज़ किया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर क्या होता है, लिथियम प्लस और ये AlH4 माइनस। तो जो हमारा यहाँ पर रिएक्ट करने वाली स्पीसीज है वो कौन सी है, ये है AlH4-। ये रिएक्ट करेगा, यहाँ से क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। ये जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन लेकर अटैक करेगा। कहाँ पर, हम जानते हैं कार्बोनिल ग्रुप है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा माइनस है, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने की वजह से। तो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ से क्या निकलता है, H- हाइड्राइड। ऐसा हमको लगता है हाइड्राइड है, लेकिन बाद में जब कभी मौका मिलेगा तब हम इसकी रिएक्टिविटी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्यों ये हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट, नाम तो है लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं होता, इसमें प्रॉपर हाइड्राइड के करेक्टर नहीं होते, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यह क्या है, हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा। तो क्या करेगा, ये यहाँ से निकल कर यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, ये तो अटैक करेगा, तो लिथियम का क्या कोई काम नहीं है, लिथियम का भी काम है लेकिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम नहीं है कि जो एल्युमिनियम के, ये जो एल्युमिनियम हाइड्राइड है इसके काम को ओवरकम कर जाए। यानी लिथियम क्या काम करता है, लिथियम यहाँ पर चीलेशन का काम करता है, एल्युमिनियम से भी कीलेटेड है और ऑक्सीजन से भी कीलेटेड है लिथियम प्लस। तो क्या करता है, जब लिथियम ऑक्सीजन के साथ कीलेट बनाता है, चीलेशन करता है, तो ये जो कार्बन है इसकी विद्युत, सॉरी ये जो ऑक्सीजन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता और बढ़ जाती है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पर, इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, वो बढ़ जाती है। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाएगी। तो ये जो हाइड्राइड ट्रांसफर है ये और भी ज़्यादा फास्ट होगा। तो क्या होगा, ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये क्या बना लेगा, जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा OLi। ये बॉन्ड बन जाएगा OLi के बीच में, O माइनस, और ये Li क्या होता है, प्लस रहता है क्योंकि पोलराइज रहेगा ये बॉन्ड। फिर ये किस पर अटैक करेगा, AlH3। अब ये क्या हो गया, लुईस एसिड। अब ये हाइड्राइड को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, अब तो इसको खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र करेगा। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा और लिथियम हट जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा OAlH3। अब फिर से इस पर माइनस आ गया, अब ये फिर से क्या बन गया, हाइड्राइड ट्रांसफ़र रिएजेंट बन गया। अब ये दोबारा हाइड्राइड ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि एक और मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर सकता है। टोटल यहाँ पर कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, 4। तो कितने मॉलिक्यूल का रिडक्शन करेगा, अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेती हूँ, एक मोल लेती हूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, तो उससे 4
मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन होगा, चार मॉलिक्यूल्स का, तो अब फिर से रिएक्शन होगा, फिर से क्या होगा, ऐसे लिख दूं AlH2 और ये H है, तो हमारे पास यहाँ पर कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा, तो ये क्या करेगा, हाइड्राइड, फिर से हाइड्राइड इस कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा और क्या होगा, क्या बना लेगा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा Al H H और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा O R और R, ठीक है। फिर से इस पर माइनस चार्ज आ गया, ये एक और मॉलिक्यूल, अभी तो दो हाइड्राइड और बचे हुए हैं, तो दो और मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन करेगा, तो इसी तरीके से आगे रिएक्शन होगी, सेम इसी तरीके से रिएक्शन होगी, तो मैं इसको एक स्टेप में दिखा देती हूँ, मैंने तीर बना दिया, यानी कि ऐसी रिएक्शन होगी, दो और स्टेप फॉलो होंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये क्या बन जाएगा फाइनली, ये बन जाएगा ओ ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है क्लीव हो जाएंगे, इसके बाद मैं इसका क्या करा दूंगी, वर्कअप करा दूंगी H3O+ से, तो जैसे ही हाइड्रोजन आएगा H+ आएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है ये यहाँ से क्लीव हो जाएंगे, तो फाइनली हमको क्या मिलेंगे, तो हमको मिलेगा चार मॉलिक्यूल मिलेंगे एल्कोहल के, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल मिले, चार मॉलिक्यूल, यानी एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज़ किया था एक मॉलिक्यूल का, और हमको चार मॉलिक्यूल मिले एल्कोहल के, क्योंकि एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में चार हाइड्राइड होते हैं, तो इस तरह से ये चार मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन कर सकता है। और ये किस तरीके का एल्कोहल मिला हमें, 2° एल्कोहल का निर्माण हुआ, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक चीज़ और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, या तो THF सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, या तो फिर ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर हम कोई प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे जैसे एल्कोहल, जो कि हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ यूज़ करने वाले हैं, या वाटर ले लिया गलती से भी हमने रिएक्शन के अंदर, तो क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, अगर नमी ज़रा सी भी मौजूद हुई तो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा और एक विस्फोटक रिएक्शन होगा, यानी विस्फोट हो सकता है, तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसका हम यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करते। हालांकि इससे सभी मॉलिक्यूल्स का, ऑलमोस्ट हर मॉलिक्यूल का ये रिडक्शन कर देता है कुछ को छोड़कर, ठीक है। तो जिस तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है, ये है मैकेनिज्म, बिल्कुल इसी तरीके से क्या करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी अटैक करता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्टिविटी जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तुलना में थोड़ी सी कम होती है, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इतना ज़्यादा विग्रस रिएक्शन नहीं देता। दूसरा, हम जब सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होने की वजह से इसके साथ हम प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इसका रिडक्शन कराना है सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो इसके साथ हम सॉल्वेंट क्या लेते हैं, इसके साथ सॉल्वेंट हम ETOH या MEOH, मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल को सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, या फिर जल को भी ले सकते हैं सॉल्वेंट के तौर पर, वाटर भी ले सकते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसके पास इतनी ताकत नहीं है भैया कि ये इसका रिडक्शन करा पाए, यानी कि H+ फिर क्या होगा, तो ये यहाँ से इसके रिएक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल, सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हमको प्रोटिक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, ऐसे सॉल्वेंट जहाँ से प्रोटॉन प्राप्त हो सके। कैसे रिएक्शन करेगा, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगा जैसे वहाँ हुआ था। यहाँ पर भी रिएक्टिंग स्पीसीज कौन है, BH4-, ये है हमारी रिएक्टिव स्पीसीज, ये रिएक्शन करेगी, हालांकि आपको ये माइनस चार्ज दिख रहा है, लेकिन ये माइनस चार्ज फॉर्मल चार्ज है, रियल चार्ज नहीं है, ये मतलब दिखावे के, ये क्या कहते हैं, दिखावे के दानवीर हैं। पहले तो इसके पास जब एक हाइड्रोजन हटा दूँ BH3, तो ये तो गरीब हो गया भाई, इसको कोई इलेक्ट्रॉन की खुद ज़रूरत है, ये तो खुद लेगा, लेकिन जैसे इसके पास एक H आ जाता है तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आ जाता है नेगेटिव, तो ये खुद को दानवीर कर्ण समझने लगता है, यानी कि है कुछ नहीं इसके पास देने के लिए, लेकिन फिर भी खुद को दानवीर कर्ण दिखा रहा है कि भाई मैं तो हाइड्राइड ट्रांसफ़र करूँगा। तो
तो इसीलिए ये बहुत वीक होता है, मतलब खोखला है। वैसे इसके पास बहुत पैसे तो नहीं है जो दान करेगा, लेकिन क्या है, खोखला है, तो क्या करेगा, हाइड्राइड ट्रांसफ़र तो करेगा दिखावे के लिए, लेकिन इतनी ताकत नहीं है। तो इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए हमको इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगा, ये जो हाइड्राइड है अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ कार्बन पर अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा, O- बनेगा। इस O- किस पर से कौन जुड़ जाएगा, BH3 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। पहले ये किससे कीलेट करेगा, सोडियम से, जैसे पिछले स्टेप में हमने देखा था ऑक्सीजन कीलेट कर रहा था लिथियम के साथ, पहले लिथियम से जुड़ा उसके बाद AlS3 पर अटैक किया, यहाँ पर सोडियम से कीलेट करेगा, लेकिन वो कीलेशन इतना अच्छा नहीं होता, लिथियम का साइज स्मॉल है इसलिए उसके साथ कीलेशन अच्छा हो जाता है, लेकिन सोडियम के साथ कीलेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता, तो यहाँ पर BH3- बन जाएगा, ठीक है। इस पर फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये क्या करेगा, इसके पास तीन हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, और तीन मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन करेगा, तो मैं एक साथ दिखा सकती हूँ, आगे तीन स्टेप और होंगे, और क्या बनेगा फाइनली, ये बन जाएगा B पर माइनस, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये बन जाएगा। अब क्या होगा, यहां पर हमने इथाइल अल्कोहल लिया है, या वाटर भी ले सकते हैं, तो इथाइल अल्कोहल से क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल ये है C2H5OH, ये बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो ये क्या करेगा, ये जो O- होगा यहां से क्या कर लेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और इस तरीके से अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्रोटोनीकरण होगा, या फिर मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, एक स्टेप में दिखाऊं, ये बना BH3 माइनस, आगे हमारे पास क्या है, ETOH मौजूद है, तो क्या करेगा, ये जो O- है ये H+ को ले लेगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R R, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH, है ना। तो इसी तरह से रिएक्शन होगा, ठीक है। अभी तो हाइड्राइड, यहाँ पर तीन हाइड्राइड और बचे हुए हैं, तो वो भी सारे रिएक्ट करेंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, तो अब हम दिखा सकते हैं, ये मैंने इसलिए मिटा रहा था ताकि आपको दिख जाए कि अल्कोहल से प्रोटॉन किस प्रकार से लेगा, ठीक है, फिर वरना आप बोलोगे कि हमें पता ही नहीं चला कि प्रोटॉन किस प्रकार से लिए। अभी नेगेटिव आया, अभी भी तीन हाइड्राइड हैं, तो यह अभी तो तीन मॉलिक्यूल का और रिडक्शन कर सकता है, तो क्या करेगा, तीन मॉलिक्यूल का रिडक्शन करेगा, और फाइनली हमको मिलेगा B माइनस, यहाँ से लिख दूँ O C R का होल फोर, और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। अब ये H प्लस ले लेगा, C2H5OH से क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा, यानी किसका क्या हो जाएगा, वर्कअप हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ ले लूँ H2OH प्लस ले लूँ, C2H5OH ले लूँ, H2H प्लस ले लूँ, वर्कअप करा दूँ, तो ये बन जाएगा फाइनली, क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरीके से अल्कोहल का निर्माण होता है, किसके द्वारा, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, हमने कुछ विधियों को देखा। इसके अलावा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से भी अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।